प्रिय विद्यार्थीगण, आज मैं कक्षा 3 से मैथ्स से पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसे हम आज आप लोगों के बीच हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कैसे क्वेश्चन को हम कैसे हल कर सकते हैं। इससे पूर्व हम बता दें कि आपको पिछले पार्ट में हमने इसका पहला भाग में आपको विलोपन विधि द्वारा बताए थे और आप लोग बखूबी उसको अध्ययन किए थे। अब उसी का सेकेंड पार्ट हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे हम लोग देखते हैं। ध्यान देना, एक क्वेश्चन है आपके पास 3x plus 4y बराबर 10 and 2x minus 2y बराबर 2। अब जानेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिखा है, आते हैं 3x plus 4y बराबर 10, इसको हम इक्वेशन 1 ड्रॉ कर देंगे। पुनः 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको हम इक्वेशन सेकेंड ड्रॉ कर देंगे। नाउ अब लिखेंगे हम लोग, यहां पे आते हैं हम, यहां से सबसे पहले हम लोग समीकरण फर्स्ट से आते हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट है क्या? समीकरण फर्स्ट है 3x प्लस 4y बराबर 10। यहां पे हम लोग इसे चाहे x या चाहे y के रूप में प्रतिस्थापित करेंगे। यदि हम लोग x के रूप में इसे कन्वर्ट करते हैं तो आगे देखते हैं, या 3x बराबर क्या होगा 10, ये 4y प्लस में है राइट साइड जाएगी तो क्या होगा माइनस 4y है ना। अब यहां पे 3x बराबर 10 माइनस 4y हो गया, इसलिए x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 10 माइनस 4y बटे 3, क्योंकि ये 3 x के साथ क्या है मल्टीप्लाई है। तो जब x निकालेंगे तो ऑलरेडी ये कहां से जाएगा, डिवाइड में जाएगा ना, तो 10 माइनस 4y का 3, इसको हम लोग इक्वेशन ड्रॉ कर देते हैं 3। क्या कर दिए 3। अब आते हैं हम लोग आगे देखते हैं इसका, यहां लिखेंगे समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। क्या लिखे हैं कि जो x बराबर 10 माइनस 4y बाय 3 आया, इसको हम क्या रोके इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड का मान कहां रखेंगे, 2 में रखेंगे। अब बोलेंगे सर आप कि सर आप इस इक्वेशन का मान 1 में क्यों नहीं रखे, क्योंकि अब 1 में इसलिए हम इसका मान नहीं रखे क्योंकि जो हमने इक्वेशन को उठाया था वो कहां से उठाया था, 1 से ही उठाया था ना। अगर 1 में रखेंगे तो ये तो 0-0 हो जाएगा ना, इसलिए जब भी आप इक्वेशन 1 से उठाते हैं तो उसका मान कहां रखेंगे, 2 में ही रखेंगे। यदि आप इसे 2 से उठाते हैं, यहां पे हमने आपका कहां से उठाया, 1 से। यदि आप इसे 2 से उठाएंगे तो उसका मान कहां रखेंगे, 1 में रखेंगे, और अगर 1 से उठाए तो हमेशा उसका मान 2 में रखेंगे। आप समझ गए होंगे, तो आगे देखते हम लोग वही देखें कि समीकरण 2 का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो सबसे पहले समीकरण सेकंड है क्या, तो समीकरण सेकंड उठाते हैं, 2x माइनस 2y बराबर 2 है ना। अब यहां पे आते हैं, या 2x x है यहां पे, x का मान है क्या, समीकरण थर्ड देखते हैं, तो समीकरण थर्ड देखते हैं, x बराबर है क्या 10 माइनस 4y बाय 3, कितना है 10 माइनस 4y बाय 3। तो इस x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, वही 10 माइनस 4y बटे 3 है ना, और माइनस में कितने हैं
टू वाई बराबर टू, ठीक है। आगे से एक्सटेंड करते हैं तो ये टू जो है तो ब्रैकेट के साथ टूटेगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दो को दस से गुना करके कितना हो गया बीस, फिर यहां प्लस से और यहां माइनस, तो प्लस माइनस माइनस दो चौके आठ वाई बटे कितना तीन और माइनस टू वाई बराबर टू, है ना। यहां तक तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आगे इसको एक्सटेंड करने के लिए सबसे पहले इसके नीचे हम लोग वन मान लेते हैं, चलो देखते हैं। अब यहां पे मेरा क्या है, इसका जो है वो थ्री है और इसका है कुछ नहीं, तो हमने क्या मान लिया बाबू वन, क्या माने वन। अब थ्री और वन का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा थ्री, कितना होगा थ्री। अब थ्री से थ्री में भागा देंगे तो तीन से तीन में भागा देंगे कितना होगा एक, और एक को बीस माइनस एट वाई से गुना करेंगे तो वही ना उतरेगा, कितना होगा ट्वेंटी माइनस एट वाई, फिर ये माइनस था तो हमने माइनस दिया, फिर वन से डिवाइड करेंगे थ्री में कितना होगा थ्री, और थ्री को टू वाई से मल्टीप्लाई किया तो तीन दूना सिक्स वाई, थ्री टू जा सिक्स वाई इज इक्वल टू टू, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ट्वेंटी ये देखो ये दोनों चर सेम है ना, ये भी वाई टर्म है ये भी वाई टर्म है, और दोनों क्या है साइन दोनों के क्या है माइनस है, तो जब साइन दोनों का माइनस है तो क्या होगा दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस एट वाई एंड माइनस सिक्स वाई कितना होगा माइनस फोर्टीन वाई बाई थ्री इज इक्वल टू टू, ठीक है। अब यहां पे इसके लिए कुछ नहीं करना, वन मान लेंगे और इसे क्या कर देंगे बाईसीएम, बाईसीएम समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते आते देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता कैसे आप पूर्व में परिचित होंगे कि वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और टू को थ्री से, तो वन को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ना उतरेगा, कितना होगा बीस माइनस चौदह वाई बराबर दो तीन छ, कितना होगा बाबू दो तीन छ, है ना। आगे एक्सटेंड करेंगे इसको, तो देखो यहां पर पिछले क्लास में भी बताए थे कि चर वाले मान को एक तरफ रखेंगे और अचर वाले मान को क्या करेंगे एक तरफ रखेंगे, तो देखो ना यहां पे ये 20 अचर संख्या है और ये भी 6 क्या है अचर संख्या है, तो इस 20 को हम लोग बराबर के उधर भेज दें, क्योंकि इस ये मेरा क्या चर संख्या वाई वाला टर्म क्या और उधर तो नहीं है ना, तो क्या होगा ये माइनस फोर्टीन वाई बराबर क्या होगा ये सिक्स तो अपने स्थान पे है, ये बीस उधर जाएगा दाईं ओर तो किस में जाएगा माइनस में, साइन चेंज हो जाएगा, क्या होगा साइन चेंज होगा, तो जब साइन चेंज होगा तो यहां पर कितना हो गया माइनस फोर्टीन वाई बराबर सिक्स माइनस ट्वेंटी, तो माइनस फोर्टीन वाई बराबर कितना होगा सिक्स में ट्वेंटी जाएगा तो कितना बचेगा बाबू माइनस फोर्टीन, क्यों बचा माइनस फोर्टीन क्योंकि माइनस वाला क्या है बड़ा है ना। अब यहां से माइनस माइनस दोनों तरफ क्या हो गया कैंसिल, सेम साइड है कैंसिल हो गया, तब हम लोग वाई बराबर निकालेंगे तो वाई बराबर कितना होगा फोर्टीन बटे ये फोर्टीन डिवाइड में आएगा ना, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं वाई बराबर फोर्टीन वन जा फोर्टीन फोर्टीन वन जा फोर्टीन दैट मीन्स वन बाई वन बराबर कितना वन, कितना आ गया वन, तो इस तरह से वाई बराबर कितना हो गया वन आ गया, है ना। अब हम लोग लिखेंगे यहां से अब वाई का मान समीकरण किन्हीं में रख दीजिए, चाहे वन में चाहे टू में चाहे थ्री में कहीं भी आप रख सकते हैं नो डाउट, ठीक है। तो अब वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर कहां रख देंगे फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट है क्या, तो समीकरण फर्स्ट मेरा था थ्री एक्स
प्लस 4y बराबर 10 है ना। अब यहां पर y का मान हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। कहां पर रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। ध्यान देना 3x प्लस 4y बराबर 10, उसको हमने यहां पर देखे। आगे देखना, या 3x, x का मान तो हमारे पास नहीं मालूम है, तो ये 3x हो गया प्लस 4y, 4 इंटू वाई, वाई का मान कितने है? तो वाई का मान हम निकाले हुए कितना 1, तो यहां पे रख देंगे कितना रखेंगे 1 बराबर 3, ठीक है। या 3x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इक्वल टू 3, और 3x फिर यहां पर ध्यान देना, क्योंकि हम बताया था अभी भी कि चर और अचर को एक तरफ रखें, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, तो 4 तो इसके टर्म में है ना, 4 और 3 दोनों के अचर मान है, तो 4 क्या जाएगा कि हम अपनी ओर जाएंगे, अपने अचर की ओर जाएंगे, तो ये 4 राइट में है तो लेफ्ट में जाएगा, तो साइन क्या होगा इसका, चेंज होगा, क्या होगा बाबू, चेंज। तो 3x बराबर क्या होगा मेरा, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार से 3x बराबर कितना हो गया, 10 में 4 लेस हुआ तो 6, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 6 बाय, क्योंकि 3 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इसको डिवाइड में भेजेगा ना, तो डिवाइड में भेज दिए, तो x बराबर कितना हो गया 3 1 3 3 2 6, इस मींस x बराबर 2। हेंस अतः लिख सकते हैं, अतः हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। प्रिय विद्यार्थीगण, अब आप जो ये प्रतिस्थापन विधि हमने आप लोग तुम्हारे आप लोगों के बीच बताने का काम किया है, इस तरह से आप चाहेंगे तो इससे संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे इस पार्ट में, आपका 3.3 एंड 3.4 ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जितने भी सारे सवाल होंगे आप आसानी से इस प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कर सकते हैं और अपने पाठ्य को, अपने सिलेबस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और समझने की कोशिश करें और समझ करके आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद।